नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप, मैं आशीष भरमौरिया हूं। तस्वीर कागज के पन्ने से दिल में ज्यादा बेहतर लगती है, ये लिखा है विक्रमादित्य सिंह ने। क्यों लिखा है पहले ये समझते हैं। आपने ये खबरें और वीडियो और फोटो देखे होंगे जहां पोस्टर वार शुरू होती है। पोस्टर में किस नेता को कितना बड़ा करना है, किसे छोटा करना है, ये तमाम चीजें अमूमन सभी ने देखी हैं और ये कॉमन भी है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में पोस्टर वार से बात आगे बढ़कर पोस्टर फाड़ तक जा पहुंची है। दरअसल बीते रोज कांग्रेस ने पूर्व सीपीएम राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कोरोना महामारी में लोगों की रक्षा और सहायतार्थ अभियान कांगड़ा से शुरू किया था। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों, ब्लॉक और सभी पंचायतों में कोविड सुरक्षा किट वितरित करने के लिए भेजी गई। इसी से संबंधित होर्डिंग प्रदेश भर में लगाए गए। इस होर्डिंग को सबसे पहले आप देखिए। होर्डिंग में पूर्व पीएम राजीव गांधी का बड़ा सा फोटो है। इसके अलावा सबसे ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के फोटो लगाए गए हैं। होर्डिंग में जो दूसरा सबसे बड़ा फोटो है वो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली का। बाली कोविड के दौर में मदद बांटने के लिए जो कांग्रेस द्वारा कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन पूरे होर्डिंग में 6 बार के सीएम रह चुके पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की तस्वीर ही नदारद है। बस फिर क्या था, दिन को पोस्टर शिमला में लगे और रात को कांग्रेस के ही वीरभद्र समर्थकों ने पोस्टर फाड़ दिए। सुबह होते होते पोस्टर फाड़ने की वीडियो भी वायरल होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के खेमों में बंटे लोग सोशल मीडिया पर अब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, बल्कि बीजेपी से जुड़े लोग भी इस कमेंटबाजी में अपने हाथ धोने में लगे हैं। कुछ बीजेपी के लोग कमेंट कर कह रहे हैं कि खुद बीजेपी के लोग पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का आदर करते हैं, ऐसे में खुद कांग्रेस के नेता ही अपने वरिष्ठ नेता का आदर नहीं कर रहे हैं, उन्हें पोस्टर में उन्होंने जगह ही नहीं दी। उधर पोस्टर फाड़ने के वीडियो वायरल होने के बाद आज विक्रमादित्य सिंह ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तस्वीर कागज के पन्ने से दिल में ज्यादा बेहतर लगती है। उनके इस कमेंट को 3,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक लाइक और रिएक्ट कर चुके थे, जबकि 350 से ज्यादा कमेंट अब तक उसमें आ चुके थे। लोग वीरभद्र सिंह की फोटो पोस्टर में ना लगाने को लेकर उनके समर्थक तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और इस समय पूरी खेमेबाजी देखी जा रही है कांग्रेस के भीतर। आपको बता दें कि इससे पहले बीते रोज ही विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण टीम नाम से भी एक मदद बांटने का कल प्रयास किया था। उन्होंने भी अपना पोस्टर जारी किया था। ये पोस्टर आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये कल का पोस्टर है। इस पोस्टर में भी कहीं से कांग्रेस का कोई निशान नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ 3 कलर जो कांग्रेस इस्तेमाल करती है वो कलर दिखाई दे रहे हैं। टीम विक्रमादित्य सिंह लिखा है, शिमला रूरल जोन की कंस्टिट्यूंसी है वो लिखा है, और लिखा है मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। यहां से भी पूरे कांग्रेस का कोई भी पार्टी चिन्ह या किसी भी तरह के अन्य नेताओं के फोटो नदारद हैं। उधर पूरे मसले को लेकर जो पोस्टर फाड़े गए हैं उसको लेकर जीएस बाली का कहना है कि ये शरारती तत्वों का काम है, लेकिन हम अपने मिशन में फेल नहीं होंगे और कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री जीएस बाली के रिश्तों की मिठास किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन ये मिठास अब इतनी आगे बढ़ जाएगी ये तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। ये कुछ खबर थी पूरे मामले को लेकर। विक्रमादित्य सिंह ने क्या रिएक्ट किया, विक्रमादित्य सिंह फेसबुक पर लिखते हैं, जो लिख रहे हैं वो जाहिर सी बात है किसके लिए लिख रहे हैं और उन बातों के क्या मायने निकलते हैं। अभी के लिए इतना ही। हिमाचल अभी अभी की दूसरी खबर देखने के लिए आप हिमाचल अभी अभी का फेसबुक पेज फॉलो करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद। या तो रखे सा अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से
खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।